फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने कोई भी डॉक्यूमेंट्स को एक सीक्रेट वे में ट्रांसफर कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक पीडीएफ फाइल को क्यूआर कोड में कन्वर्ट करने वाला हूँ और उस क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद मैं उस पर्टिकुलर पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकता हूँ, देख सकता हूँ। इट मीन्स ये होगा कि जब आप कोई भी किसी भी पर्सन को डॉक्यूमेंट्स शेयर करना चाहते हो तो आपको पेन ड्राइव की हेल्प नहीं लेनी है, ना ही उसको डायरेक्टली मेल पे भेजना है। आपको सिंपली उसको एक क्यूआर कोड दे देना है और वो जब भी क्यूआर कोड को स्कैन करेगा तो वो सीधे आपके उन सभी डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर सकता है इजीली। ठीक है, ये एक सिक्योरिटी बेसिस पे बोल सकते हैं कि कॉन्फिडेंशियल बेसिस पे आप किसी भी चीज को शेयर कर सकते हो जिसमें सारा कंट्रोल आपके ऊपर है। आप चाहते हो तो उस क्यूआर कोड को भी एक्सपायर कर सकते हो, जब आप चाहते हो उस डॉक्यूमेंट को डिलीट कर सकते हो, जिससे कि आपके पास पूरा कंट्रोल रहे। तो यहाँ पर मैं चलता हूँ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे और आपको मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ। यहाँ पर मैं अपनी पीडीएफ फाइल पे ये चीज अप्लाई करने वाला हूँ, अपनी पीडीएफ को यहाँ पर क्यूआर कोड में कन्वर्ट करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, क्यूआर कोड में आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास एक पीडीएफ फाइल है। इस पीडीएफ फाइल को मैंने ओपन कर लिया, इसको आप पूरा देख लीजिए कम्प्लीटली। एक नॉर्मल पीडीएफ फाइल है, कोई मतलब ऐसी वैसी पीडीएफ फाइल नहीं है, सिंपली नॉर्मल। अब मैं क्या करूंगा, इस पीडीएफ फाइल को अपने गूगल ड्राइव पे डालने वाला हूँ सबसे पहले। तो आप कोई भी अपनी गूगल ड्राइव यूज कर सकते हो, कोई भी क्लाउड की सर्विसेज यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर सिंपली एक तरीका है गूगल क्लाउड, तो यहाँ पे गूगल की मैंने ड्राइव ओपन करी, यहाँ पर मैंने इसको ब्राउज करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया और ये यहाँ पर अपलोड हो गई है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये कंप्लीट अपलोड होने के बाद यहाँ से इस पर्टिकुलर फाइल की लिंक जनरेट कर लूंगा, ठीक है, जिससे कि क्या होगा उस लिंक के थ्रू मैं आगे का पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने वाला। तो यहाँ पर मैंने लिंक को जनरेट करते टाइम पर ध्यान रखना कि आपको रिस्ट्रिक्टेड पे क्लिक नहीं करना, आपको एनीवन पे क्लिक करना है और व्यूअर की जगह पे यहाँ पे एडिटर पे क्लिक करना है, जिससे कि क्या होगा ये एक ओपन हो जाएगा। मतलब आपको सिंपली यहाँ पर इस लिंक को कॉपी करके जब किसी को भी भेजोगे तो कोई भी डाउनलोड कर सकता है, ठीक है, मतलब क्यूआर कोड को कोई भी क्यूआर कोड के थ्रू डाउनलोड कर सकता है। अब आपको क्या करना है, इस लिंक को पर्टिकुलर यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर इस इतनी बड़ी लिंक को यदि मैं इसका क्यूआर कोड बनाता हूँ तो थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, उसको और ज़्यादा शॉर्ट करने के लिए यहाँ पर बिटली का यूज़ करूँगा। पहली वेबसाइट के पहले यूआरएल पर जाता हूँ और यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट, यहाँ पर शॉर्ट करने के लिए, जिससे कि कोई ये ना समझ पाए कि मैंने अपने गूगल के यहाँ पर गूगल ड्राइव पर यहाँ पर मैंने अपना सारा डेटा रखा हुआ है। तो यहाँ पर इसको शॉर्ट कर लिया मैंने, ठीक है। शॉर्ट करने के बाद इसको लिंक को कॉपी कर लिया और इस लिंक को कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पर आपको दिखाने के लिए यहाँ पर पेस्ट कर लिया है। आप चाहोगे तो आप गूगल ड्राइव पे जाने के बाद इसको रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हो, मतलब पूरा कंट्रोल आपके ऊपर ही है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपली यहाँ पर टाइप करूंगा, ठीक है, यहाँ पर मैं टाइप कर रहा हूँ पीडीएफ टू क्यूआर कोड जनरेटर, ठीक है। ये ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू आप कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया, पहली लिंक पे क्लिक किया और पहली लिंक पे क्लिक करने के बाद अपनी वो शॉर्ट लिंक को यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर मैंने जनरेट क्यूआर पे क्लिक किया और क्लिक करते ही यहाँ पर एक साइड में आप देख सकते हैं क्यूआर कोड जनरेट हो गया है। अब इसको आपको सेव करके रख लेना है अपने पास, ठीक है, मतलब जब भी इस क्यूआर कोड को कोई भी स्कैन करेगा तो सीधे आपकी उस पर्टिकुलर पीडीएफ की लिंक पे रिडायरेक्ट हो जाएगा और वहां से उसको डाउनलोड कर सकता है। और आप फ्यूचर में चाहो ना उस पीडीएफ फाइल को, नहीं चाहते आप किसी को शेयर करना, तो आप वहां से रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, कोई भी उसको बाद में नहीं दे सकता, मतलब एक तरह से क्यूआर कोड एक्सपायर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इसको सेव करने के लिए यहाँ पे एक नाम डाला है पर्टिकुलर, ठीक है, और यहाँ पर इसको सेव कर लिया। आप कोई भी नाम से सेव कर सकते हो। और अब इस वाले क्यूआर को मैं आपको ऑनलाइन ही यहाँ पर स्कैन करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसमें सर्च किया मैंने क्यूआर स्कैनर, क्योंकि मोबाइल के थ्रू करूँगा तो फिर यहाँ पर मैं आपको डेमोस्ट्रेट नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ पर मैंने सिंपली यहाँ पर क्लिक किया, प्लस पे क्लिक किया और यहाँ पर मैंने क्यूआर पे क्लिक किया, ठीक है। और यहाँ पर एक शॉर्ट लिंक आ गई है, आप देख सकते हैं। यदि मैं इसको लिंक को डायरेक्ट डालूँ ब्राउजर पर या फिर डायरेक्ट ओपन करूँ तो सिंपली मैं उस वाले पेज पर रिडायरेक्ट हो जाऊंगा जहां पर मेरे पास ये पीडीएफ फाइल सेव्ड है, मतलब उस पर्टिकुलर एरिया में मैं रिडायरेक्ट हो गया हूं। आप देख सकते हैं कि यहां पर ये मेरी फाइल है। अब मैं यहां से इसको डाउनलोड भी कर सकता हूं और चाहूं तो मैं यहां से इसको शेयर भी कर सकता हूं किसी को भी। तो एक सिंपल प्रोसेस है गाइज इसमें, मतलब मैंने यहाँ पर एक तरह से एक अपना पीर टू पीर किसी भी पर्सन को जब शेयर करा डॉक्यूमेंट अपना, एक कॉन्फिडेंशियल वे में किया। यदि मैंने क्यूआर कोड किसी को दे देता हूँ तो कोई समझ नहीं पाएगा उसको डायरेक्टली कि मैंने उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रखे हैं। आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, थैंक यू।